सभी का मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में आज हम बात करने वाले कि क्लस्टरिंग क्या होती है। देखो, क्लस्टरिंग कोई नया टॉपिक नहीं है, बहुत ही पुराना है, क्योंकि मशीन लर्निंग की जब बात आती है ना तो क्लस्टरिंग की ही बात आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन अब तक पढ़ते आ रहे थे कि लेबल डेटा। अब जो होता है, जो अनलेबल डेटा सेट होता है उसके लिए क्लस्टरिंग यूज की जाती है। यानी अनलेबल यानी अनसुपरवाइज यानी कि कोई सुपरविजन नहीं होगा, यानी कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी, खुद से करो। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, इसका मेन काम है अ वे ऑफ ग्रुपिंग द डेटा पॉइंट इनटू द डिफरेंट क्लस्टर कंसिस्टिंग ऑफ द सिमिलर डेटा पॉइंट। यानी कि जो जो सेम पॉइंट है ना उनका एक ग्रुप बना देगा। अब जो अदर सेम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज मिली उनका अलग ग्रुप बना देगा। तो ये कैसे हो रहा है, सपोज करो आप मॉल में जाते हो तो आप टी शर्ट लेते हो, टी शर्ट का अलग कॉर्नर होता है, जींस का अलग होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट बन गए ना, ये एक तरह से क्लस्टर है। अगर इन सबको एक साथ रख देंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। तो मिक्सअप नहीं करना है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर बनाने, उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए। तो ऑब्जेक्ट ऑफ पॉसिबल सिमिलैरिटीज रिमेन इन अ ग्रुप डैट हैज़ लेस और नो सिमिलैरिटीज विद अदर ग्रुप। यानी कि आपकी टी शर्ट आपकी जींस के इक्वल नहीं हो सकती, दोनों की अलग अलग क्वालिटी है, वो ऊपर का है वो नीचे का है, तो पूरा टोटल सिमिलैरिटीज़ नहीं मिल रही है। इसका यूज़ देखो आप रियल लाइफ भी देख सकते हैं कि अमेजोन के अंदर जो आपका रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि आपने पास्ट में कुछ सर्च करा, कोई प्रोडक्ट आपने सर्च करा, तो आप दोबारा अमेजोन ओपन करते तो सिमिलर प्रोडक्ट मिलते हैं ना। तो ये होता है, ये क्लस्टरिंग करता है, ML यूज करते हैं वहाँ पर। सिमिलरली नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, तो आप कोई मूवी देखते हो तो उससे रिलेटेड सजेशन बॉक्स होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि रिकमेंड करता है वो अपन को कि ये मूवी देखो, इसी के सिमिलर है। तो ये चीज़ कैसे हो पा रही है, ये क्लस्टरिंग के ही थ्रू हो पा रही है। अब इस क्लस्टरिंग को अंजाम देने के लिए इनको पाँच डिवाइड कर दिए। इनको पहला आपका देख सकते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पाँचवा। तब मैं बात करूंगा कि टाइप ऑफ क्लस्टरिंग मेथड क्या होता है। पहला होता है पार्टीशनिंग, डेंसिटी बेस्ड, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, फ्यूजी क्लस्टरिंग। तो पार्टीशन यानी पार्ट में डिवाइड करेगा, डेंसिटी यानी डेंस के ऊपर कितना डेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल यानी कोई मॉडल है डिस्ट्रीब्यूशन का डिवाइड करने का वो, हायरार्किकल समझते हो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, फ्यूजी अभी बताऊंगा। फ्यूजी यानी मान लो कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप का बिलोंग करना एक दूसरे से। तो इन पाँचों को डिफाइन करते हैं अपन। सो फर्स्ट वन इज योर पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग। देखो, इट डिवाइड्स द डेटा इनटू द नॉन हायरार्किकल ग्रुप। पहले बात हायरार्किकल ग्रुप में नहीं करते इसको डिवाइड, एंड इट इज आल्सो नोन एज अ सेंट्रोइड बेस्ट मेथड। तो इसका सबसे जीता जाता बेस्ट एग्जांपल है केमीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, जो अपन आगे भी पढ़ेंगे। तो ये टोटली पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग के ऊपर बेस्ड होती है, जिसके अंदर अपन क्या होता है कि उनके सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, स्टार एंड सर्किल, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग करती है। दूसरा बात करते हैं डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग कौन सी होती है, यानी इट कनेक्ट द हाईली डेंस एरिया इनटू द क्लस्टर, जहाँ पर ज़्यादा। मैंने तो देखो इस डायग्राम में क्या करा, डेंस नहीं दिखा पाया, आप चाहो तो ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब पास पास दिखा दो। तो उनका क्या कर देता है, ये ग्रुपिंग कर देता है इनसाइड में, और एक आर्बिट्रली शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन आर फॉर्म एज लॉन्ग एज डेंस रीजन कैन बी कनेक्टेड, ताकि इन आपस को कनेक्ट कर देता है और अलग इनका एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है, डेंस के अकॉर्डिंग। और जो दूर दूर होते हैं उनसे ये लाइनिंग खींच जाती है, सिमिलरिटी जो दूर होता है वो इनका लाइनिंग खींच जाएगी, और जो डेंस होगा वो इनसाइड हो जाएगा। तो ये हो गया डेंसिटी बेस्ड, यानी हाईली डेंस एरिया होगा क्लस्टर में, वहाँ पर ये कनेक्ट हो जाता है। थर्ड वन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल द डेटा इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ ए डेटा सेट बिलोंग टू द पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। द ग्रुपिंग डन बाय द अज्यूमिंग सम डिस्ट्रीब्यूशन कॉमनली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप डायग्राम देखो देख पा रहे हो, अब जो ज़्यादा डेंस है उसका एक छोटा सर्किल है, अब जो थोड़ा दूर है उनका अलग सर्किल है, और जो पूरा ही दूर है उनका अलग सर्किल है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर किस तरह से अपन अंतर या डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं मॉडल को ऑन द बेसिस ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार से भी अपन क्लस्टरिंग को अंजाम दे सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द हायरार्किकल क्लस्टरिंग। इन दिस एल्गोरिथम इट कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव फॉर पार्टीशन क्लस्टरिंग, एज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्री स्पेसिफाइड नंबर ऑफ क्लस्टर टू बी क्रिएटेड। यानी कि इस केस में क्या होता है कि आपको यहाँ पर पहले ही स्पेसिफाई नहीं करना है कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर होंगे। लाइक पार्टीशन में अपन ने डिवाइड कर दिए थे 1, 2, 3, 4 पार्ट के अंदर, इसके अंदर आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे जिसको डेंड्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, डेंड्रोग्राम, ठीक है। तो द डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू द क्लस्टर टू क्रिएट ए डेंडोग्राम। तो इस लाइक का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो इस तरह का स्ट्रक्चर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया ना। तो यही होता है आपका कि अल्टरनेटिव फॉर द पार्टीशन क्लस्टरिंग, जिसके अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। फाइनल वन की बात करता हूँ मैं, फ्यूजी क्लस्टरिंग। इट इज द टाइप ऑफ द सॉफ्ट मेथड इन विच डेटा ऑब्जेक्ट में बिलोंग टू
मोर देन वन क्लस्टर, यानी एक से ज़्यादा क्लस्टर से जो चीज़ बिलोंग कर जाए वो हो गया आपकी फ्यूजी क्लस्टरिंग। ईच डेटा सेट हैज़ अ सेट ऑफ मेंबरशिप कोफिशिएंट। अब ये एक दूसरे से बिलोंग यानी कनेक्टेड कैसे होंगे, तो इनके पास होता है एक मेंबरशिप कोफिशिएंट, विच डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द मेंबरशिप टू बी इन दैट क्लस्टर। तो ये जो आपकी डिग्री होती है ना मेंबरशिप की क्लस्टर के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कोफिशिएंट, कौन सा, मेंबरशिप कोफिशिएंट, और जिसके थ्रू ये आपस में बिलोंग कर पाते, इसलिए इसको क्या बोला गया, सॉफ्ट मेथड। सॉफ्ट यानी कि आप ना जिसमें आपका ऑब्जेक्ट है ना वो दूसरे क्लस्टर से भी कनेक्ट हो सके या बिलोंग कर सके। हार्ड मेथड वो होता है जिसमें आप एक ही क्लस्टर में रहते हो, बाकी से बिलोंग नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता। तो फ्यूजी क्लस्टरिंग उसका एग्जांपल है किसका, सॉफ्ट मेथड का। तो आपके क्लस्टर वैसे अपन चाहे तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक हार्ड मेथड एंड सॉफ्ट मेथड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पांचों टाइप आपको समझ में आए होंगे, ये पांच अप्रोच जिसके थ्रू अपन क्लस्टरिंग करके अमेजोन नेटफ्लिक्स या किसी के अंदर भी मशीन लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।